Hello, this is the lecture number five for the chapter polynomial for the class ninth. And in the last lecture we were uh, we have discussed the remainder as well as the factor theorem or in the last lecture we have find how can we find the remainder when the, the polynomial is divided by the another polynomial so the same thing is here also in 2.4 exercise and the factor theorem is also here and the factor theorem i all i have also discussed in the last exercise also i'm discussing it again now when let px be the polynomial of degree one or more than one and if a is the real number then x minus a will be the factor of px if the remainder is zero this we have discussed earlier अगर किसी डिवाइजर से किसी डिविडेंड को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है देन द डिवाइजर इज द फैक्टर द गिवन डिविडेंड नाउ हेयर द पॉलिनमल पी एक्स विल बी द डिविडेंड एक्स माइनस ए विल बी द डिवाइजर क्योंकि हम इस पॉलिनमल अगर इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर जीरो आता है देन इट विल बी द फैक्टर एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिमाइंडर पी ए वी डिस्कस इन द लास्ट एक्सरसाइज हाउ कैन वी गेट द रिमाइंडर अगर रिमाइंडर जीरो देन इट विल बी अ फैक्टर अदरवाइज इट विल नॉट बी द फैक्टर The same thing we have uh, uh, discussed in the exercise 2.4 as we have also done in the last exercise that is 2.3. So somewhat easy exercises here. The same thing will will use here as we have done in the last exercise. Now in question number 1 of exercise 2.4, now the polynomial px is given x cube plus x square plus x plus 1 and you have to find whether x plus 1 is the factor of this or not.

लास्ट में आपको लिखना है दिस टू राइट एट द कंक्लूजन एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिमल और नॉट तो पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो अगेन माइन द पॉलिनोमल यहां पर चेंज हो गया थोड़ा सा डिफरेंट पॉलिनोमल हैं ठीक है यू शुड सी दिस पार्ट इन योर बुक एनसीआर बुक तो हैव टू फाइंड वेदर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस टू तो बाय माइनस वन इन द गिवन पोलिन ऑफ द फोर्थ पार्ट आई हैव टेकन द फोर्थ पार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेकंड थर्ड यू कैन ट्राई योर सेल्फ तो इन द गिवन पॉलिनोमल पी एक्स आई रिप्लेस एक्स बाय माइनस वन तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर टू प्लस रूट टू माइनस एक्स यहां पर एक्स की जगह माइनस टू प्लस रूट टू तो सिंपलीफाई करने पर टू रूट टू आई एम गेटिंग 2 root 2. So because the remainder is not 0, so we can say that x plus 1 is not the factor of the given polynomial. x plus 1 is not the factor of the given polynomial. So, uh, similarly, is the question number 2, the polynomial is given and you have to find uh, two polynomials are given px and gx and you have to find that whether gx is the factor of this or not.

तो रिमाइंडर the yes, so कैन से फैक्टर ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर थ्री इट इज गिवन आई एम सेइंग इट इज गिवन एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिसमल का एक्स माइनस वन फैक्टर है तो यो आपको एक अननोन वैल्यू पता करनी है

यू फाइंड द रिमाइंडर एंड पुट इट इक्वल टू जीरो अगर फैक्टर गिवन है तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन और अगर आपको ये पता करना है कि वेदर द गिवन पॉलिनमल इज द फैक्टर ऑफ द अदर पॉलिनमल तो सिंपली यू फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द रिइंडर थ्योरम एंड इफ इट इज इक्वल टू जीरो दैन वी कैन से दैट द गि डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ द डिविडेंट नाओ सम क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ दिस एक्साइज नाउ द फैक्टराइजेशन और डिविजन ऑफ द पॉलिनमल वी हैव टू डू यह हम आपको करना है नाओ दिस क्वेश्चन नंबर फोर यू हैव टू फैक्ट्राइज द फॉलोइंग इनको आपको फैक्ट्राइज करना है यू हैव टू फैक्टराइज दस यू हेफ टू फैक्टराइज ठीक है नाओ you have done these types of factorization in the lower classes also that is in 8th and 7th also you have done now this is the quadratic polynomial in the quadratic polynomial you have to factorize by splitting the middle term this is can both by factorize by splitting the middle term now how can you find by splitting the middle term you find the product of this number and this number let us call this a this is b and this is c take आपको यू हैव टू फाइंड दोज टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस ट्वेल्व इंटू वन कितना यहां पर ट्वेल्व इंटूल ट्वेल्व जैसे यहां पर ले लेते हैं टू इंटू थ्री सिक्स यहां पर कितना प्रोडक्ट इनका उसका सिक्स इंटू माइनस सिक्स माइनस थर्टी सिक्स मींस यू हैव टू फाइंड दोज टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज प्लस ट्वेल्व एंड द सम ऑफ दोज नंबर शुड बी सेवन आपने कर रखा है बहुत अच्छी तरह से इन द लोअर क्लासेस स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग एन अगेन इसको बोलते हैं फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ठीक है इसको मिडिल टर्म करके फैक्ट्राइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सो लेट एस कॉल इट इन ए कितना चाहिए आपको ट्वेल्व इनका प्रोडक्ट ट्वेल्व होना चाहिए और इनका सम कितना आना चाहिए सम शुड बी इक्वल टू सेवन एस यू है प्रोडक्ट इज ट्वेल्व एंड हु इज सेवन तो ऐसे कौन से दो नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पर तो ट्वेल्व दे दे और एड करने पर सेवन तो थ्री और फोर वो क्या है वो थ्री और फोर यू कैन डू दिस इन योर रफ कॉलम ठीक है दिस फॉर यू सो आई ब्रेक स्प्लिट स्प्लिटेड दिस सेवन थ्री प्लस फोर इस तरह से करना है इसमें ले लेते हैं अब आपको यहां पर यू हैव टू फाइंड दोज टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज सिक्स एंड हुज सम इज सेवन तो कौन से वो दो नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पर सिक्स दे दे और ऐड करने पर सेवन दिस इज सिक्स प्लस वन सिक्स और वन तो यू हैव स्प्लिटेड दिस सेवन एज सिक्स एंड वन सिक्स प्लस वन लाइक दिस नाउ हेअ द प्रोडक्ट इज माइनस थर्टी सिक्स ए इंटू बी माइनस थर्टी सिक्स है और उनका सम बल्कि डिफरेंस आना चाहिए कितना फाइव प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई करने पर माइनस है आपका ये माइनस का थर्टी सिक्स तो डिफरेंस आना चाहिए आपका फाइव ए माइनस बी तो कौन से हो दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का थर्टी सिक्स दे, दे और सब करने पर आपको फाइव दे दे नाइन फोर जार तो ए हो गया आपका नाइन और बी हो गया आपका फोर लाइक दिस तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने तीनों में आपको स्प्लिट करके दिखा दिया यहाँ पर हमने थ्री प्लस फोर में स्प्लिट कर लिया यहाँ पर सिक्स प्लस वन में स्प्लिट कर लिया इनमें यहाँ पे नाइन माइनस फोर क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का थर्टी सिक्स है इन दोनों का प्रोडक्ट सिक्स है इन दोनों का प्रोडक्ट ट्वेल्व है ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया एंड दिस यू हैव डन इन लोअर क्लासेस ना अब आपको फैक्टराइज करना है यहाँ पर थ्री प्लस फोर है तो ब्रैकेट ओपन करिए माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स इसमें आपका थ्री एक्स कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में दो दो टर्म में लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर यू आर गेटिंग थ्री एक्स कॉमन तो यहां बचा फोर एक्स थ्री फोर जै ट्वेल्व एक्स बचा माइनस का वन यहां पर यू टेक माइनस कॉमन क्योंकि कुछ भी नहीं आ रहा था तो फोर एक्स माइनस वन ये दोनों नंबर हमेशा सेम आते हैं ऑलवेज दिस शुड बी सेम ये हमेशा सेम आते हैं तो फोर एक्स माइनस वन यहां पर आपने कॉमन ले लिया थ्री एक्स माइनस वन बचा यहां पर सिमिलरली सिक्स एक्स प्लस वन एक्स ओपन कर दिया टू एक्स इसमें कॉमन आ गया इसमें वन कॉमन आ गया यह हमेशा सेम आते हैं कॉमन लेने पर एक्स प्लस थ्री कॉमन ले लो तो टू एक्स प्लस वन बचा यहाँ पर नाइन माइनस फोर एक्स तो नाइन एक्स माइनस फोर एक्स इसमें आपका थ्री एक्स कॉमन आ रहा है इसमें माइनस टू कॉमन आ रहा है टू एक्स प्लस थ्री हमेशा कॉमन लेने पर सेम आते हैं तो ये टेक दिस कॉमन तो थ्री एक्स माइनस टू सो दिस इज द मैथड टू फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड दिस यू हैव डन इन योर लोअर क्लासेज ऑल्सो विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू